नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलोक और आप देख रहे हैं सीटेक एंड साइंस। आपका जो मोटो G5s प्लस है, इसमें आपको बेटा वर्सन में MFN नेटवर्क के जरिए ओरियो अपग्रेड मिल चुका है। ये बेटा वर्सन है, रिलीज वर्सन नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑफिशियली है। कुछ दोस्तों ने बुडलोडर अनलॉक करने के बाद भी बुडलोडर को रिलॉक करके इसको अपग्रेड किया। कुछ दोस्त इसको डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे इसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको मन में जो भी सवाल है तो उसको आज सारी जवाब मैं दे दूंगा। इस एक साथ उसे एंड तक देखते रहे। पहला सवाल आपका, ये 32 बिट है और 64 बिट है। सारी दुनिया को तो 64 बिट मिलता है, मुझे क्यों 32 बिट मिलेगा? दोस्तों फिलहाल स्नैपड्रैगन 625 तो 64 बिट सपोर्ट करता है, लेकिन मटरोला पहले ही एक गलती कर चुका है। आपका जो 7.1.1 रोम है वो 32 बिट है, इसलिए इसको 64 बिट देना नामुमकिन हो गया है दोस्तों। इसीलिए आपको 32 बिट मिलेगा, निराश मत होइए दोस्तों। अगला अपग्रेड में बहुत सारी फीचर्स इनेबल होने वाला है। MI A1 के तरह ये बागी अपडेट तो नहीं दिया, डेवलपर टीम ने निरंतर काम कर रहा है। दूसरा सवाल आपका वारंटी का। देखिए दोस्तों, मोटोरोला ने कंफर्म कर चुका है, आप ये OTA के जरिए कोई अपग्रेड लेते हो तो आपका कोई भी वारंटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा सवाल, इस रोम को आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप अनइंस्टॉल इसको कैसे करें, क्योंकि आपका मन में है जो ये ऑफिशियल पाथ नहीं है, ये MFN पाथ है, रिलीज पाथ नहीं है, तो इसमें आपको बुडलोडर पहले से आप अनलॉक करके लॉक कर चुके हैं और इस हासिल कर चुके हैं, तो कैसे आप ऑफिशियल पाथ में जाए, रिलीज पाथ में जाए, इसको कोई चिंता करने का बात नहीं है दोस्तों। पहले बताऊंगा, आपका बुडलोडर अनटच्ड है, अनलॉक नहीं है, तो आप क्या करें? देखिए, मोटोरोला ने पहले ही कंफर्म कर चुका है, आप डाउनग्रेड करें तो आपका IMEI जरूर जा सकता है, तो इसीलिए आप रिलीज्ड रोम को लिए वेट करें और अगला बेटा वर्सन के लिए भी वेट आप कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट OTA मिलेगा तो जरूर आप लोगों के लिए मैं कैप्चर करके अपलोड करूंगा और उसको इंस्टॉलेशन गाइड भी वीडियो के साथ अपलोड करूंगा दोस्तों। प्रोसेस से आप अपग्रेड करते जाइए तो आपका कोई भी चिंता करने का बात नहीं है। तो और भी आप MFN के जरिए, OTA के जरिए मोटोरोला से ऑफिशियली आपको बेटा वर्सन मिला है तो चिंता करने का कोई बात नहीं है दोस्तों। आप ये रोम जो है इसको आप अनलॉक करके, बुडलोडर रिलॉक करके आप मैनुअली हासिल किए हैं तो भी चिंता करने का कोई बात नहीं, आप रिलीज को लिए वेट करें, इस रोम को इस्तेमाल कीजिए और रिलीज होने के बाद आप अपग्रेड कीजिए, फास्ट बूट मोड में अपग्रेड कीजिए और जिस तरह से अपग्रेड किया है OTA के पास उस तरह अपग्रेड कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम IMEI का नहीं होगा दोस्तों। इसके बावजूद भी कोई दोस्तों ने बोलना चाहा जो भाई मैंने फिर वापस जाना चाहता हूं 7.1.1 में, तो ध्यान में रखिएगा TWRP रिकवर इंस्टॉल किए थे उसी तरह TWRP इंस्टॉल कीजिए और इनके पहले EFS बैकअप जरूर ले लेना दोस्तों, और उस बैकअप को आपको कंप्यूटर में और गूगल ड्राइव में सेव कर देना, लेकिन डाउनग्रेड ना करें तो आपको लिए अच्छा होगा दोस्तों। चौथा सवाल बैटरी एंड परफॉर्मेंस का। जितना मैंने देखा है 7.1.1 से बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड बढ़ चुका है और परफॉर्मेंस भी उससे बहुगुना बढ़ चुका है। कैमरा फंक्शन में बहुत सारी फीचर्स इनेबल हो चुका है, जैसे कि टाइम लैप्स, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स एंड स्लो मोशन का क्वालिटी भी पहले से अच्छा हो चुका है, और वीडियो स्टेबिलाइजेशन को बात करें तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। अपग्रेड करने के बाद आपका ऐसी फ्लुएंसी नहीं आया है तो एक बार हार्ड रीसेट कर ले तो आपका ये प्रॉब्लम चला जाएगा और आपका डाउनग्रेड करने का और अनइंस्टॉल करने का नौबत नहीं आएगा, IMEI 0 का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा।
अच्छा सवाल, आपका फेस अनलॉक इधर मिला है? नहीं नहीं दोस्तों, इसमें कोई फेस अनलॉक इनेबल नहीं हो चुका है, लेकिन अगले जब OTA आएगा, बेटा टेस्टिंग भी आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है, फेस अनलॉक जरूर आ जाएगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा। अगला सवाल आपका, अगला बेटा टेस्टिंग कब आएगा, आएगा कि नहीं? दोस्तों जरूर आ सकता है, क्योंकि फेस अनलॉक और भी बहुत सारी फीचर्स जैसे कि मोटो की ब्लैक एंड गोल्ड थीम अगले अपडेट में आ जाएगा। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला है, ये अगला OTA अगस्त का महीने में आ सकता है, अगस्त का सिक्योरिटी पैच के साथ, और फाइनल वर्जन अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आ सकता है। सातवां सवाल, आपका डाउनलोड फेल हो रहा है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ठीक से आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, जो लिंक आपको दिया है वो लिंक फिलहाल गूगल ड्राइव का है, और आप गूगल ड्राइव से ही उसको डाउनलोड करना चाहे तो आपको फेल होना ही स्वाभाविक है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मोबाइल में जो एंड्रॉयड डाउनलोड मैनेजर है उसको इंस्टॉल कीजिए, और उसमें ब्राउजर सेक्शन में जाइए, और जो लिंक मैंने दिया है उस ब्राउजर सेक्शन में उसका लिंक ऐसे पेस्ट कीजिए और उसको एंटर कीजिए, तो आपका डाउनलोड जो सेक्शन है उसमें आपका फाइल का साइज आ जाएगा, ओके कर दीजिएगा तो आपको डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड को आप 2-1 दिन में कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसके बाद जैसे बोला था ऐसे ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिर एक बार मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूंगा, आप देख लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। और भी कुछ सवाल आपका मन में है तो इस वीडियो का नीचे में आप जरूर डाल देना, उसका जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक और एक कमेंट कर देना। मेरे रनिंग गिव अवे चल रहे हैं, इसके लिए एंट्री कर लेना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आज के लिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।